जा रहा है। मुखिया बता दें कि मुख्तार के सांसद भाई अफजाल अंसारी से ईडी ने पूछताछ की और ये पूछताछ प्रयागराज में 7 घंटे से ज्यादा समय तक चली। ईडी ने विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के खातों से लेन देन को लेकर अफजाल अंसारी से सवाल जवाब किए। अफजाल अंसारी रविवार को अपना बयान दर्ज कराने ईडी दफ्तर पहुंचे थे और 7 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें घर जाने दिया, तो अफजाल अंसारी ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए उनसे फिर से पूछताछ यहां पर हो सकती है। तो मुश्किलें जो है लगातार अफजाल अंसारी की यहां पर बढ़ती हुई, क्योंकि जिस तरह से अब्बास अंसारी और उसके साले तारा अंसारी से जो है पूछताछ यहां पर की गई, उस पूछताछ में अफजाल अंसारी का भी जिक्र यहां पर हुआ था, जिसके बाद एक बार फिर अफजाल अंसारी से पूछताछ, हालांकि जो सवाल यहां पर किए गए कई घंटों की पूछताछ के दौरान उन सवालों का ठीक से जवाब अफजाल अंसारी की तरफ से नहीं दिया गया है और अब इसके बाद ये माना जा रहा है कि दोबारा पूछताछ यहां पर की जा सकती है और मुश्किलें अफजाल अंसारी के भविष्य में बढ़ सकती है। बढ़ेंगे आगे, भदोही जिले में दलित दुष्कर्म पीड़िता को धमकी देने के मामले में ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा की पत्नी बेटे समेत 4 पर एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़िता ने ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा समेत अन्य पर गैंगरेप करने का मामला दर्ज कराया था। ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा का भतीजा है और वर्तमान में वो जेल में बंद है। दिसंबर 2021 में प्रयागराज की रहने वाली एक दलित महिला ने ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा समेत अन्य लोगों पर नौकरी का लालच देकर गैंगरेप करने का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि पुनः उस मुकदमे में दबाव बनाने और प्रलोभन और दबाव के सहारे समझौता कर लेने और मुकदमे की पैरवी ना करने के लिए कुछ लोगों ने उन पर दबाव बनाने का और संपर्क करने का प्रयास किया था, जिस संबंध में पीड़िता द्वारा कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। इस जानकारी के आधार पर पीड़िता की तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर थाना गोपीगंज में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जो निष्पक्ष कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो वही बीजेपी सांसद आरके पटेल को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। चित्रकूट में 2009 के दौरान विरोध प्रदर्शन के मामले में यह सजा कोर्ट ने सुनाई है। इन पर प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने का आरोप था। 16 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई गई है, तो 3 दोषियों को 1-1 महीने की सजा हुई है। तो वही जो है बीजेपी सांसद की मुश्किलें बढ़ते हुए 1 साल की सजा यहां पर दोषी मानते हुए सुनाई गई है। तो आरके पटेल को कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। तो चित्रकूट में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन यहां पर ट्रेन रोककर किया गया था, उस 2009 के मामले में ये कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है। तो इस प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने का आरोप, 16 अन्य आरोपियों को भी सजा यहां पर सुनाई गई है। तो पूरा मामला भी आपको हम पॉइंटर्स के जरिए समझा रहे हैं। 2009 का ये पूरा मामला है। विरोध यहां पर तत्कालीन सरकार के दौरान किया गया था। उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे आरके पटेल और अब ये बड़ा झटका कोर्ट से दोषी मानते हुए 1 साल की सजा आरके पटेल को सुनाई गई है। 18 लोगों को भी दोषी पाया गया है और उनको भी सजा सुनाते हुए 3 महीने की सजा, 15 लोगों को 1 साल की कारावास की सजा। बढ़ेंगे आगे, आगरा ताजमहल में नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल, तो मामले को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने विरोध शुरू कर दिया है। आक्रोशित हिंदू संगठन ने एएसआई अधीक्षक राजकुमार को ज्ञापन सौंपा है।